हाई एवरी वन वेलकम टू डिस्टिल जी के क्लासेज तो सी टेट एस एस टी की क्लासेज हमारी चल रही हैं डे सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है एंड आई थिंक आज हमारा पांचवा दिन है प्रीवियस क्वेश्चन का हमने 2018 कंप्लीट कर लिया 2019 एंड ये जो मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ ये आपका 2022 का पेपर है क्योंकि आपको पता है 2022 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर से लेके सात फरवरी तक चला था और ये बहुत अच्छे टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आई थिंक पंद्रह दिन ये पेपर चला था तो पूरा का पूरा पेपर आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ यहीं से कराया जाएगा आप हर दिन बस आधे घंटे की क्लास होती है आप 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल कर अगर मेरे चैनल से अच्छे से कर रहे हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट बनाए रखें ताकि हर दिन आपको क्लासेस मिले एंड वैसे भी आपको पता है कि कल से हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला जो भी वीक है उसमें आपको वन लाइनर भी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्लासेस डेली होंगी बस आप लोग एक छोटी सी चीज कर सकते हो लाइक वाला बटन दबा से तो सेक्शन मिल जाएगा वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो देखिए ये जो है ऐसे पहले ऑनलाइन पेपर था तो इसलिए इस तरीके से क्योंकि आप जानते हो ना कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको हिंदी इंग्लिश एक बार में तो देखने को मिलेगा नहीं साइड टू साइड आप उसको चेंज कर सकते हैं तो ये था पेपर ऐसा तो आएगा नहीं बट ये कॉन्टेंट तो पूरा आएगा तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर देखिए मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में एंड याद रखना कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है आपको यहां से करना ही करना स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में तो मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्न का मिलान करो और सही विकल्प का चयन करो तोमर अनंग चौहान पृथ्वीराज चौहान अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो भाई वही है कि याद है तो ठीक है नहीं तो तुक्का लगाओ क्योंकि ये ईयर डेट याद करना पड़ता है तो एक भी याद है ना काम चल जाएगा कैसे वो देखिए जैसे कि आपको पता है कि तोमर का क्या है तो तोमर का हमारा है आरंभिक बारहवीं शताब्दी से ग्यारह सो पैंसठ एक आ तीसरा होगा तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो खत्म 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 आ गया आंसर दूसरा तो ए का तीसरा हो गया अनंग पाल का हो जाएगा हमारा ग्यारह सौ तीस से पैंतालीस एंड हमारा चौहान का हो जाएगा ग्यारह सौ पैंसठ से बानवे एंड हमारा पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा ग्यारह से पचहत्तर से ग्यारह सौ बानवे तो ये डेट याद कर लो क्योंकि ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें कुछ नहीं हो सकता है ठीक है चलिए एंड टोटल जो हमारे थर्टी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे अपना मार्क्स जरूर बताना चलिए एक ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया था एंड ये आसान था फिर भी लोगों ने गलतियां की कि जो प्राचीन तमिलनाडु है ना वहां पर किसकी बस्तियों को उर् कहते थे अब ये उर् जैसे आएगा ना तो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखेंगे कि कंफ्यूज करेगा तो याद रखो तमिलनाडु में किसानों को की कि बस्तियों को हम उर् कहते हैं किसकी किसानों के पीजेंट्स जिसे हम बोलते हैं खेतीहर किसान ठीक है तो तीसरा हो जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग अब बहुत पूछता है तो वो आपको करके जाना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्न का मिलान करो मतलब कभी किसका पतन हुआ था फरूख सियाार शाह आलम द्वितीय अहमद शाह आलमगीर द्वितीय तो बताइए इसमें भी एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है तो देखो जैसा कि आपको पता है फरुख सियार का पतन हुआ था सत्रह से सत्रह में अब भाई ये हिस्ट्री का प्योर क्वेश्चन है याद तो करना ही पड़ेगा ठीक है तो ए का दूसरा एलिमिनेट करो तुरंत आंसर आपका बाहर तीसरा हो जाएगा यही आपको ट्रिक्स आजमाना है ठीक है तो अब बी का हमारा अपने आप पता चल गया है कि हमारा पहला हो जाएगा अहमद शाह का हमारा सत्रह से सत्रह सो चौवन द्वितीय का सत्रह से सत्रह 1759 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट भी कर सकते हो तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ऑप्शंस आए एक या दो भी पता है ना एलिमिनेशन मेथड का यूज करना जिस तरीके से मैं यहां पर कर रही हूं ठीक है चलिए फोर क्वेश्चन देखिए उत्तराधिकार की सहदायत प्रथा का क्या अर्थ है कोपेरेंसी इनहेरिटेंस मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बस याद रखना कि जो उत्तराधिकार की सहदायत का मतलब होता है ना कि सभी पुत्र जो जितने भी पुत्र होंगे उन सभी के बीच बीच विरासत का विभाजन डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स बस यही मतलब है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन एंड एक या दो क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे टेस्ट भी ले सकती हूँ कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इसका आंसर आप बताइए चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए द डिवोशनल हाइमंस रिटेन इन मराठी आर नोन एज पांचवा क्वेश्चन मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो जो भक्ति गीत होते हैं ना मराठी में उनको हम अभंग के नाम से जानते हैं फोर चलिए सिक्स क्वेश्चन और ये काफी लेंदी सा क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हो छठवां क्वेश्चन हमारा देखिए मौ, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में कुछ कथन दिया गया है सही कथन बताना है तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया जी हां सही है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का को अधिक पसंद किया यह भी बात सही है तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है तुम्हारा हो जाएगा पहला ए और बी दोनों सही है ठीक है चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे और ये भी है कि सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है बक्षी सैनिक वेतनाधिकारी शद्र धार्मिक धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री इक्तादार सैन्य कमांडर कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी इंग्लिश भी देख लीजिए सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है ये बताइए चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ इसका आप मुझे ज़रूर आंसर बताना और नहीं भी बताओगे तो कल मैं इसका इतना स्क्रीन शॉट लेके आपको आ, बता दूंगी बट मैं चाहती हूँ इतने दिन से हम लोगों ने एन पढ़ी एक तो क्वेश्चन बताना बनता है जो भी इसको सही इसका सही आंसर देगा ना उसको मैं उसके कॉमेंट्स को मैं लाइक करूंगी तो इसका आपको आंसर बताना है और बहुत आसान है एक ही है इसमें आप आराम से हिंट से कर लोगे कि कौन सा सही है ठीक है चलो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन भी अच्छा है निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था देखो जो घुमंतु खेती होती है ना तो मध्य प्रदेश में उसके लिए एक वर्ड है एक शब्द है बताइए क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं बेवड़ दूसरा ठीक है तो घुमंतु खेती को बेवड़ मध्य प्रदेश में नाइन क्वेश्चन काफी लेंदी है आप देख सकते हो यह आपका लेटेस्ट वाला पेपर है दो का हम पेपर कर रहे हैं यहां पर देखिए नाइन्थ वाला थोड़ा सा हाँ चलिए और कमेंट्स में आंसर भी जरूर बताना कि कितना आपका सही हो रहा है ठीक है तो वही बात है कि आपको दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है उन्नीसवीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है जी हाँ और इसकी एक रीज़न था क्या था कि संचार के नए तरीके आ रहे थे जैसे कि किताब अखबार पत्रिकाएं और पर्चे छपना इसी वजह से हो रहा था तो जी हाँ ये इसका रीज़न भी सही है स्टेटमेंट भी एकदम सही है अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कभी भी रट के आप नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी ये स्टेटमेंट वाले क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टेटमेंट में रखे जाते हैं ना कि अगर जिसने डीप में पढ़ा ही नहीं होगा एन सी वो नहीं कर पाएगा तो एन पढ़ो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो तो पहला हो जाएगा चलिए और ये हमारा इस पर टेन नंबर नहीं लिखा आई थिंक हाँ ये रहा हमारा दसवां क्वेश्चन है ये चलिए हम अंबेडकर जी से क्वेश्चन पूछा हुआ है दो कथन दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा जातिगत पक्षपात झेला था जी हाँ हमने स्टोरी भी पढ़ी थी पूरी इनकी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे बात तो सही है बट ये क्या इसका रीजन ये है कि उनके पापा सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, थे इसका रीजन ये थोड़ी ना कि वो जातिगत पक्षपात झेलते थे स्टेटमेंट दोनों सही है बट रीजन व्याख्या सही नहीं है तो हम जाएंगे दूसरे के साथ दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है ठीक है तो दूसरा हो जाएगा इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ग्यारह क्वेश्चन और ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है देखिए दोनों कथनों को पढ़ना है सही का चुनाव करना है ई वी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था जी हां और ये एनसीआरटी से ही पूछा हुआ है उन्होंने इसका कारण दिया है कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया जी हां इसका रीजन ही यही है स्वाभिमान आंदोलन किस लिए शुरू किया था जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए तो व्याख्या भी सही है स्टेटमेंट भी सही है तो हम जाएंगे पहले के साथ ठीक है चलो ट्वेल्व क्वेश्चन देखो किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया वल्लभ भाई पटेल गफ्फार खान सावरकर मौलाना आजाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है तो वो था मौलाना आजाद ठीक है जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था मौलाना आजाद फोर ऑप्शन विल बी राइट चलिए थर्टीन देखते हैं अठारह से क्वेश्चन पूछा हुआ है अट्ठारह के विद्रोह के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सही कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत वाला बताना है काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मई अठारह में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ सही है और इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया ये भी सही है यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा पैसिव आंदोलन था मतलब अप्रतिरोधी बता दिया प्रतिरोधी था ना कि अप्रतिरोधी तो ये गलत हो जाएगा तो हम जाएंगे दूसरे के साथ ठीक है चलिए थर्टीन भी हो गया हमारा अब हम आ गए फोर्टीन पे फिर से वही है सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि सहायक संधि पे दो कथन दिए गए हैं सही विकल्प का चुनाव करना है ऊपर वाले में देखा होगा आपने गलत पूछा था ये जो है ना ऊपर अभी हमने किया है इसमें गलत वाला पूछा है इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है यहां तक कुछ लिखा ही नहीं है नीचे लिख दिया है सही नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए तो 14 में सहायक संधि के बारे में आपको विचार करना है और सही वाला बताना है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी अनुमति नहीं थी ठीक है ये तो एकदम गलत है और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था ये सही है ए गलत है बी सही है ये भी खत्म ये भी ये भी ए गलत है बी सही है ठीक है चलिए फिफ्टीन फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग और ये भी रटने वाला क्वेश्चन यहां पर पूछा है पंद्रह का देखो और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है ठीक है सही पे ध्यान देना ये ग्रह है और ये घुड़न का समय है यूरेनस वाला गलत है नेपच्यून ये याद होगा तो ठीक है नहीं तो तुक्का मारना पड़ेगा आपको नेपच्यून का सही है सोलह घंटे सात मिनट बाकी शनि और मंगल का गलत है तो सही इसमें केवल दूसरा है अब ये फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है तो नेपच्यून का जो अपने अक्ष पे घूरन का समय है वो होता है सोलह घंटे सात मिनट ये सही है बाकी के तीनों के तीनों यूरेनस शनि मंगल गलत है तो हम जाएंगे दूसरे के साथ सोलह सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है सही पे ध्यान देना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है गलत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है तो ये हमारा सही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जली व स्त्री दोनों भागों से होकर गुजरती है नहीं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग जीरो डिग्री देशांतर का यह भी गलत तो सही क्या है कि केवल जली भाग से होकर गुजरती है ऑप्शन नंबर टूं आप देख सकते होंगे कि क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे हुए हैं दो कथन दिए हैं पढ़ो और बताओ क्या सही है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोड मापकर आप अपने स्थान का अच्छांश जान सकते हैं जी हाँ और कारण क्या लिखा है विश्वत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है बात तो सही है बट ये जो ये रीजन यहां पर लिखा ना कथन कि ध्रुव तारे का कोड माप कर हम अछांस जान सकते हैं ये गलत है ये इसका रीजन गलत है बाकी स्टेटमेंट दोनों सही है व्याख्या बस सही नहीं है तो हम जाएंगे दूसरे के साथ ठीक है जो ना आए आप उसे नोट कर सकते हो जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी उन्हें दिक्कत हो सकता है और फिर वही क्वेश्चन जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे बट अभी मैं इसको पढ़ लेती हूं कि क्या इसमें पूछ रहा है एटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए जब हम एक जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी की ओर यात्रा करते हैं तो हमें कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे तो इसका आंसर होगा लगभग चार घंटे इसको किस तरीके से करना है दो से तीन लाइन का है अच्छे से एक बार बता दूँगी तो आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो एंड मैं तो ये बोलूंगी कि अगर कोई आपको लगता है कि एक नंबर का पूछा जा रहा है तो आप तीस नंबर का छोड़ के एक नंबर के पीछे मत भागना सेम यही चीज ग्रामर में भी अप्लाई होता है हिंदी इंग्लिश में एक से दो नंबर का ग्रामर आता है आप उसके पीछे पता चल रहा है दो दो तीन तीन घंटे पढ़ रहे हो सेम वही चीज है मन करेगा तो सीटेट पूछ लेगा नहीं तो नहीं पूछेगा बट एक से ज़्यादा नहीं ये दूसरा हो गया इसका राइट आंसर 19 देखिए, द मेन मिनरल्स ऑफ ओसनिंग क्रस्ट आर ठीक है महासागरी परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं हमारा 19 क्वेश्चन है ये तो उसमें से मुख्य खनिज एक हमारा मैग्नीशियम है दूसरा हमारा सिलिका है ये तो हमने पढ़ा ही था महासागरी जो परपटी होते हैं इसके मुख्य खनिज क्या है मैग्नीशियम एंड हमारा एक सिलिका ठीक है तो ए एंड सी हम जाएंगे तीसरे के साथ ट्वेंटी क्वेश्चन बीस नंबर का क्वेश्चन देखो एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज एस बीज के पेड़ तथा फीजेड मोनाल पक्षी मिले तो आखिर में उसने किस क्षेत्र का दौरा किया होगा बताइए कहां पर उसे मिला होगा ऐसा तो उसने किया होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन और ये है हमारा टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट एंड ऐसा क्वेश्चन हमने जब हम जब बुक्स में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं ना ये पेड़ के नाम पक्षी के नाम लिख देते हैं फिर पूछते हैं कि कौन सा वनस्पति का हम इसने दौरा किया है तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आ, कि किस क्षेत्र में किस तरीके के पेड़ होते हैं किस तरीके के पंक्षी होते हैं ताकि आप कर पाए तो हो जाएगा इसका दूसरा बीस क्वेश्चन हो गया हमारा अब हमारा ये ट्वेंटी वन है देखिए ट्वेंटी वन में देखिए किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन बताइए टेम्परेट टुंड्रा फ्रिजिट या टोरिट हिंदी भी देख सकते हो आप तो वो है हमारा टुंड्रा क्षेत्र ऑप्शन नंबर टू विल बी राइट ठीक है चलिए ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं ठीक है बाईस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बाईस वाला लिखा है दो कथन दिए गए हैं सही बताना है महासागर का जल लवड़ी खारा होता है एकदम बात सही है कारण दिया है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवड़ होते हैं तभी तो वो लवड़ी होता है तो रीजन भी सही है कथन भी सही है तो हम जाएंगे पहले के साथ ट्वेंटी थ्री देखिए पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक और प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड बताइए पवन के निक्षेपण को कहते हैं लोयस याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो पहला हो जाएगा इसमें ट्वेंटी फोर देखिए जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं डेल्टा तटबंध चाप झील नदी मुहाना प्लेस place अ रिवर फ्लोज flows into another बॉडी ऑफ water इज कॉल्ड तो उसको बोलते हैं रिवर्स माउथ नदी मुहाना ठीक है चलिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाने की कोशिश कर रही हूं जहां पे पॉसिबल हो सकता है निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार करो और वनों के प्रकार की पहचान करो ठीक है तो यहां पर कुछ क्वालिटीज दी गई हैं वहां से आपको पहचान करना है कि ये कौन सा वन है तो चलो जैसे कि लिखा है कि ये वन सघन है और यहां सालों भर वर्षा होती है और अभी मैंने आपको बताया ना ये ऐसे ही करके पूछते हैं रोजवुड आबनोस महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं ये वन रेखा और उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं तो ये कहाँ का होगा रीजन बताना है इंग्लिश भी आप पूरा देख लीजिए एक बार तो ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है तो यहां से हमने पहचान कर लिया कि ये कौन से वनों के आ, कौन सा वन का प्रकार है ओके हिंदी में भी देख लीजिए ये हमारा उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन जिसको रोजवुड ऑबनुस भी याद होगा ना वो भी आराम से पहचान लेगा क्योंकि यहां ये वाली लाइन भी मान लो आपको नहीं पता है कि यहां पे सालों भर वर्षा होती है ये भी नहीं पता है बट ये तो पता होगा कुछ ना कुछ तो लाइन आपको याद रखना ही होगा तो जाकर आप पता कर पाएंगे ना कि यह हमारा सदाबहार चौथा ट्वेंटी सिक्स देखिए ट्वेंटी सिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है सतत विकास का क्या अर्थ होता है इंग्लिश में देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है बताइए सतत विकास का मतलब क्या है क्या यह नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण है या फिर संसाधन का सीमित उपयोग है या फिर अपनी संतान संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव है या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल जितना जरूरत हो उतना उपयोग करो और भविष्य के लिए भी बचाओ यही तो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कि अंधाधुन पानी बस यूज किए जा रहे हैं कोई भी चीज आप बिना सोचे समझे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है जरूरत नहीं है फिर भी आप पानी बहाए जा रहे हो तो ये हो जाएगा हमारा फोर ठीक है चलो अब हमारा ये ट्वेंटी सेवन चीन मलेशिया इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा जैसे कि आप देख सकते हो चाइना मलेशिया इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन चारों में से किस किस में जो है ये अग्रणी है तो बताइए तीनों का बताना है आपको ट्वेंटी सेवन तो ये है हमारा टिन ठीक है दूसरा हो जाएगा देखो हम लोग तीस क्वेश्चन तीस मिनट में कर लेते हैं और कई जगह आपने देखा होगा कि वो तीस क्वेश्चन को दो घंटे में कराएंगे तो यहां पर मैं आपका टाइम भी बचाना चाहती हूँ एंड जैसा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप एक एक दिन में साठ साठ क्वेश्चन कराओ तो वो आपका जनवरी से वो भी स्टार्ट हो जाएगा एक दिन में कोशिश करेंगे कि पूरे सिक्सटी क्वेश्चन कर लें जो जो आप लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ें मैं करूंगी बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्लासेस को ताकि उन्हें भी हेल्प मिले तो ये हमारा ट्वेंटी का टिन हो गया याद कर लेना अग्रणी है इस अग्रणी उत्पादक देश हैं चीन मलेशिया इंडोनेशिया टिन में ठीक है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में लिखा हुआ है कि जो सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ऐसे ऊपर उठा देते हैं क्यों उठा देते हैं बताओ ताकि फसल की कीटों से बचाया जा सके पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे खाद बह न जाए या फिर फसलों के बीच में अंतर रखा जा सके बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब आप मुझे बताओ सीढ़ु खेती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे जो ये हैं उसको आपने ऊपर उठा दिया ऐसे ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लेना ताकि पानी जो है वो टुकड़ों के भीतर में रुका रहे बह ना जाए इसी वजह से ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा ट्वेंटी एट का ट्वेंटी नाइन में आ जाइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन में है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं कौन सी पक्की दुकानें होती हैं बताइए जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं मतलब डेली आते हैं या फिर जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है या फिर जो दस वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है या फिर जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है पक्की दुकानें किसे कहते हैं पक्की दुकाने का मतलब ये नहीं कि कोई ठेले पे लगाया है आज कल नहीं वो पक्की दुकानें नहीं है पक्की दुकानें वो होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं जहां पर उनके पास लाइसेंस भी होता है शहर पंचायत और नगर निगम का वो होता है ये नहीं कि दस वर्ष से अधिक समय से खुला है और बड़े शहरों में है ये कोई पक्की दुकानों का एग्जाम्पल नहीं है तो ए एंड बी केवल दूसरा ठीक है ये तो अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये हो गया हमारा दूसरा और आज तो हमने तेईस मिनट में ही तीस क्वेश्चन कर लिए नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है द इलेक्टेड मेंबर्स इन आर कॉल्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए हम क्या कहते हैं जो नगर निगम में जो चुने गए सदस्य हैं उनको हम कहते हैं पार्षद काउंसिलर्स ऑप्शन नंबर फोर ठीक है तो चलो आज हमारा साल का आखिरी दिन भी है तीस क्वेश्चंस आज भी मैंने कराया है और कल न्यू ईयर है न्यू ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब कि फर्स्ट जनवरी कल भी क्लासेस होंगी इवन कल तो ज्यादा ही होगा तो रेडी रहें कल के लिए भी डेली ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दें तीस क्वेश्चन में से बताना कितने मार्क्स आए हैं और एक क्वेश्चन मैंने पूछा है एटलीस्ट एक का जवाब आप जरूर दें नहीं आ रहा है तो आप खुद से गूगल करिए सर्च करिए बट आप आंसर बताएंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं मैंने आपसे इसलिए पूछा है ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग